हेलो, यात्रा में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। मुस्कान, क्या बात है, तुम इतनी परेशान की, मुझे बताओ ना। आनंद जी, बहुत दरअसल क्या बोलो। नहीं, मैं रौनक जी को कुछ नहीं बता सकती। कुछ नहीं रौनक जी, बस वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बस एकदम अलर्ट हूँ मैं। पक्का? हाँ, ठीक है। जय हिंद सर। सर, मैंने सब चेक कर लिया है, सब क्लियर है, यात्रा स्टार्ट की जा सकती है। गुड, सारे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि हम यात्रा के लिए शाम 15 मिनट में निकलेंगे। यस सर। Constables, be on high alert. इस यात्रा की सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरे मजबूत कंधों पर है, और सर जी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पर्सनली तुम्हारी है मुस्कान। Yes, sir. तो ध्यान रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, इनके चेहरे कॉपी करके अपने दिमाग में पेस्ट कर लो। इनके अलावा कोई भी नजर आए तो तुरंत उसे मेरे पास लेके आओ। कोई सस्पिशियस लगे या तो आपके पास लेके आए। मेरी बात काटने की परमिशन नहीं है तुम्हें। सॉरी सर। कोई नहीं, ऐसे बड़े बड़े त्योहारों में छोटी बातें होती रहती हैं। नाउ गेट बैक टू वर्क, मूव। यस सर। हेलो, आप कौन? हेलो, ये लो, झाड़ू लगाओ सर जी के आगे, कहीं उनके पैर में पत्थर कंकड़ ना चुभ जाए। सर, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना हमारा काम है, उनका रास्ता साफ करना नहीं। और वैसे भी इस वक्त मुझे मेरा सारा ध्यान बॉम्ब ढूंढने में लगाना है। तुम्हारा काम है तुम्हारे सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना, जो बोल रहा हूँ वो करो, समझी? नहीं तो तुम्हारी सर से कंप्लेंट कर दूंगा। सर, जिसका जो काम हो उसे वही करना चाहिए। तुम्हारा काम है सिक्योरिटी करना, तुम जाओ सिक्योरिटी का। मुस्कान, ये काम हम करेंगे, तुम टेंशन मत लो। अरे बचुआ, आप क्यों करेंगे ये? आपको शोभा नहीं देता। हम ठीक है। मुस्कान, क्या बात है, तुम इतनी खोई सी क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? नहीं रौनक जी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज कुछ देर के लिए सर जी का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, मैं अभी आई। ठीक है, थैंक यू। ये मुस्कान बहुत अजीब से बर्ताव कर रही है, जरूर कोई बात है जो वो हमें नहीं बता रही, हमसे छिपा रही है। रौनक, क्यों कर रहा है तू? तू मत कर, तुझे क्या जरूरत है ये करने की? अपनी मर्जी से कर, हमें अच्छा लग रहा है। आप लोग आइए ना, आइए आइए।
कांस्टेबल मुस्कान, तुम यहाँ क्यों टहल रही हो? तुम्हें तो वहाँ आना चाहिए ना सर्दी की सिक्योरिटी के साथ। जाओ ड्यूटी पर वापस। सर मुझे एक्चुअली फोन आया था एक आदमी का, उसने कहा कि यहाँ यात्रा में एक बॉम्ब है। व्हाट बॉम्ब? यस सर। नंबर दो क्विक। ये तो प्राइवेट नंबर है, मैं इसे ट्रेस करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस यात्रा को रोकना चाहिए, लोगों की जान को खतरा है। नहीं मुस्कान, होश से सोचो, होश से। अगर हम यूं ही सारे क्राउड को ऐसे रोक देंगे सब पैनिक हो जाएंगे। नहीं, भगदड़ मच जाएगी यहाँ पर। सब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। बस तुम चौकन्ने हो जाओ सारे, अपनी नजर रखो चील वाली, और जैसे ही कुछ सस्पिशियस लगे चीते के फुरते के साथ मेरे पास आओ। और जाओ जाके दास गुप्ता और झा को भी बोलो कुछ करने रहे। हम सबको अलर्ट रहना होगा। अब तुम हमें बताओगी क्या करना है? सब बात बहुत सीरियस है इसलिए मैं कह रही हूँ। एक बार मैं जो कह रही हूँ प्लीज आप सुन तो लीजिए। सुनने का काम तुम्हारा है, तुम्हारा काम ऑर्डर देने का नहीं है। मैं तुम्हारी औकात क्या है हमें ऑर्डर देने की? सब पर ये पर क्या जिम्मेदारी ली थी ना तुमने सिक्योरिटी की, अपनी ड्यूटी निभाओ। हमें अपना काम अच्छे से आता है करना, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना तब से कर रहे हैं अपना काम। इनसे कोई भी बात करना फिजूल है, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। मुझे अकेले ही इस सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। परेशान की मुझे बताओ ना। मालिक जी वो दरअसल क्या बोलो। नहीं मैं रौनक जी को कुछ नहीं बता सकती, ये मेरी जिम्मेदारी है। सबकी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है और मैं अपनी जिम्मेदारी को अपने फर्ज को बखूबी निभाऊंगी। कुछ नहीं रौनक जी, बस वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बस एकदम अलर्ट हूँ मैं। पक्का? हाँ ठीक है जा रहे। देख रहे हो जा जान सर, इस लड़की को मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। मैं इतने साल से इनके साथ काम कर रहा था, किसी भी कांस्टेबल लड़की को इतनी जिम्मेदारी नहीं दी। लगता है इस लड़की ने जान सर पर अपना जादू चला दिया। जिनका ध्यान रास्ते से हटता है वो ऐसे ही नीचे गिरते हैं, इसीलिए अपने काम से काम रखो। समझ गए कि फिर से समझाएं? सब कुछ चेक कर लिया है, कोई सस्पिशियस नहीं लग रहा है सर। वो फोन नंबर भी मैंने ट्रेस करवाने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा। मेरा तेज दिमाग मुझे कह रहा है कि ये जरूर किसी ने झूठी खबर दी है हमें जाने के लिए, पर फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। तुम अपने आँख कान और दिमाग खोल कर रखो, चौकन्ने रहो एकदम, और मैं उतनी देर में बॉम्ब स्क्वाड को फोन कर देता हूँ, वो बॉम्ब इवैक्यूएशन करवाएंगे। ओके सर। हो सकता है कि किसी ने बॉम्ब के बारे में हमसे झूठ बोला, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि कोई मुसीबत आने वाली है। हो ना हो कोई खतरा हम पर जरूर मंडरा रहा है।
विराजमान, सबसे पहले मूर्ति की स्थापना हो। अब आप अपने परिवार की तरफ से भगवान को मुकुट पहनाएंगे। मुस्कान, तुम्हारा फोन। शुभ मुहूर्त पर होगा एक जोरदार धमाका। हेलो, मतलब बॉम्ब, मतलब किसी ने यहाँ बॉम्ब रखा है। तभी मुस्कान हैरान परेशान घूम रही है। हो ना हो, जो आदमी बॉम्ब ब्लास्ट करवाना चाहता है हमारे आसपास ही है। इससे पहले कि बहुत बड़ी अनहोनी हो, हमें उसे ढूंढ निकालना ही होगा। यजमान, शुभ मुहूर्त हो गया है, मुकुट को जल्दी लेकर आइए। शुभ मुहूर्त हो गया है, मुकुट लेकर आइए। इसका मतलब कहीं मुकुट में ही तो नहीं। ये मुकुट तो वो नहीं है जिन्हें मैंने चेक किया था। इसका मतलब बॉम्ब मुकुट में है। लगता है रौनक जी को भी बॉम्ब के बारे में पता चल गया है।
ये सुरक्षा तुम्हारी? ये सिक्योरिटी है। वो तो एन वक्त आके हमने मुकुट फेंक दिया, वरना आज हमारा परिवार एक सेकंड में समाप्त हो जाता। सबकी जिम्मेदार तुम लोग ही हो, सारी तुम्हारी पूरी पलटन। जानते भी हो किसी के जीवन की रक्षा करना गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। कहा था मैं जिम्मेदारी नहीं थी ना ए, इनकी नहीं थी जिम्मेदारी, तो क्या हुआ? सब कैरेक्टर फिक्स हो गया। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्यों हमें हमारे परिवार और हमारे माता पिता को क्यों अपनी जीत का शिकार बना दो? किसी ने भाई क्यों? मैं जानती हूँ ये आप ही की लीला है भगवान। आपने मेरी जान को खतरे में इसीलिए डाला ताकि मेरा बेटा मेरे पास वापस लौट आए। आज आपकी ही कृपा से रौनक ने इतने समय बाद मुझे माँ कहा है। माँ देखिए। कुछ देखे नहीं, क्या जो देखना था हमने देख लिया, जो सुनना था हमने सुन लिया, सब हमारी आंखों के सामने हुआ। अगली बारी सिक्योरिटी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? रौनक सिंह ही काफी है सबकी सुरक्षा के लिए। देखिए मिस्टर रौनक, आई अंडरस्टैंड अभी आप बहुत गुस्से में हैं और आपका गुस्सा जायज भी है, लेकिन मैंने आप सबसे पहले ही कहा था, चेतावनी दी थी कि इस यात्रा में खतरा बना रहेगा, लेकिन आप में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और देखिए नतीजा हमारे सामने है। पर हमें इसकी कार्रवाई करनी होगी कि बॉम्ब प्लांट किसने किया इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद। खैर अब जो हुआ वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन यूं बिना किसी वजह के किसी पे ब्लेम करना भी वो भी ठीक नहीं होगा। उसका अन्य और मेरी पूरी टीम ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाई है और मुझे उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। हमें इंटरेस्ट नहीं है किसने बचाई जान, किसने ड्यूटी की नहीं की, भाग में गया ही सब कुछ। हम हमारे परिवार की ओर से निवेदन है, हमारा रिक्वेस्ट ही आ रहे हैं। निकलो, चलो जय हिंद। समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। हमारी नाक के नीचे से कोई इतना बड़ा खेल खेल गया और हमें भनक तक कैसे नहीं हुई? तुम लोगों ने चेकिंग में सिक्योरिटी में कोई ढील दी थी क्या? बोलो। नो सर, मैंने तो सब कुछ डबल चेक किया था। इनफैक्ट मुकुट को भी डबल चेक किया था। जब वो मुकुट घर से रथ पर रखे गए तब उन पे रेड कलर के स्टोन्स थे। पता नहीं कब और कैसे वो नीले स्टोन्स, मतलब बॉम्ब वाले मुकुट रथ पर रखे गए। सर जब वो फोन आया तब भी मैंने देखा था, लाल स्टोन्स ही थे मुकुट पर। फिर मैं आपको इन्फॉर्म करने आई और फिर जब हम मंदिर पहुंचे तो वो मुकुट बदल चुके थे।